अकेडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अकेडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, और अपन अकेडमी पर जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियोस जो हैं तो देखे होंगे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करी, जो कि आपके आरआरबी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पूरा पेपर ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपने पढ़ लिया होगा, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जल प्रदूषण का जो मेन रीज़न है ना, वो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं, वो जाके सीधे आपका वाटर में ऐड हो जाते हैं, इधर उधर नहीं, कभी कहीं नहीं, आपका सीधे वाटर में डायरेक्ट ऐड होते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग इसकी बात करें दोस्तों, जैसे आपका स्मोक की बात करें, तो धुआं जो है ये आपका पहले एयर में जा कर के ऐड होता है। ठीक है, और ये डायरेक्ट आपका वाटर से ऐड नहीं होता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर ऑफ द इंडिया व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, उस समय पे भारत के शासक कौन थे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा सेटअप हुआ था, तो भारत के शासक आपके थे अकबर। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जब जब मैं आपको क्वेश्चन बोलती जा रही हूँ दोस्तों, तो सही आंसर जो है अपने दिमाग में सोचते रहिए। ठीक है, तो इससे आपका रिविज़न भी होगा। अब देखिए दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में दोस्तों बहुत सारी यूरोपीय कंपनियाँ आई थी, उसमें ज़्यादातर अंग्रेज जो है वो सफल रहे थे, और अंग्रेज़ों ने अपनी पहली जो व्यापारिक गतिविधि है, मतलब जो अपनी व्यापारिक जो गतिविधि है, उसको पूरा करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनाई थी। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि 1599 में, 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर नाम का पूरा एक दल था, उन लोगों ने पूरा एक बड़ा सा जो है अपना पूरा एक कंपनी स्थापित की थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज़। ठीक है, ऐसे उन्होंने इतना लंबा चौड़ा नाम का एक कंपनी रख बनाया था। तो बाद में क्या हुआ कि दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर जो हैं प्रथम, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का अधिकार पत्र दे दिया। ठीक है, तो ये पत्र मिलने के बाद जो है, जब इंडिया में आए थे, जब आपके जो जो अंग्रेज़ थे, तो उस टाइम पे जो शासन चल रहा था वो अकबर का चल रहा था, जो कि आपके मुगल सम्राट हैं। उनका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक भी रहा था। ठीक है, तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल आपका रहा था। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए जेनर डायोड, एक जो जेनर डायोड है वो एक क्या होता है? हैज़ ए हाई फॉरवर्ड वोल्टेज, इसका जो उग्र ये आपका उच्च अग्र वोल्टेज वाला डायोड होता है, या फिर हैज़ अ शॉर्ट ब्रेक डाउन एट लो रिवर्स, या फिर निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज पर तेजी से खराब होने वाला डायोड होता है, या फिर प्रवर्धक के रूप में एक उपयोगी डायोड होता है, या फिर इसके पास ऋणात्मक प्रतिरोध वाला डायोड होता है। तो ये किस टाइप का जेनर डायोड होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए जेनर डायोड आपका जो होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका शार्प ब्रेक डाउन होता है लो रिवर्स वोल्टेज में। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, बिल्कुल आपका शार्प ब्रेक डाउन होगा लो रिवर्स वोल्टेज पे। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये पूरा पीएन जंक्शन इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें पीएन जंक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। ठीक है, मेड फ्रॉम पूछा गया है कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक हीटर में, वो किसका बना होता है, तो वो आपका किसका बना होता है, चार ऑप्शन दिए हैं। वैद्युत तापक का तापी तत्व तो आपका बना होता है कॉपर, निक्रोम, क्रोमियम या फिर टंगस्टन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी। ठीक है, निक्रोम का बना होता है, आप का जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिकल हीटर का, वो निक्रोम का बना होता है। ठीक है, निक्रोम में क्या चीज़ होती है कि आपका 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम निक्रोम में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि ये एक तो पहला कि बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, तीसरी चीज़ ये होती है कि बहुत लो कंडक्टिव होता है ये निक्रोम। ठीक है, तो निक्रोम को इसीलिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटर में। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, डॉस, ओरेकल, लिनक्स और विंडोज़। ठीक है, तो सही ऑप्शन में आप क्या रखेंगे, देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना दोस्तों, वो आपका ओरेकल हो जाएगा। ओरेकल क्या है, ये आपका एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा कि डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिवाय ओरेकल के। ठीक है, तो ओरेकल विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओरेकल क्या है, आपका एक पूरा डाटा बेस सॉफ्टवेयर है। क्या है, ये आपका डाटा बेस सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड डीसी करंट इन अ क्लोज सर्किट, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात क्या होता है। रिमेन्स कॉन्स्टेंट, स्थिर रहता है, बदलता रहता है, बढ़ता रहता है या फिर घटता रहता है। सही ऑप्शन आपको बताना है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, एक बंद जो विद्युत परिपथ होता है उसमें आपका जो वोल्टेज होता है और जो डीसी करंट होती है वो क्या होती है, उसका अनुपात, जो उसका रेशियो होता है, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, अगर आप बंद विद्युत परिपथ में दिष्ट धारा सप्लाई दे रहे हैं, डीसी करंट की सप्लाई दे रहे हैं, तो जो प्रतिरोध परिपथ होगा वो हमेशा उसका वो और प्रतिबाधा दोनों चीज़ें क्या होगी, शून्य हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से ऑड वन है, किडनी है, हर्ट है, आई है या फिर लंग्स है। तो आपको इसमें से ऑड वन बताना है। ठीक है, तो ऑड वन इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, हार्ट जो होता है ना, ये आपका ऑड वन है। क्यों, अब आप बताइए क्यों। देखिए, क्योंकि आपको किडनी आपके शरीर में दो पाई जाती है, आइस आपके शरीर में दो है, लंग्स आपके शरीर में दो है, फेफड़े क्या है, दो हैं, हार्ट सिर्फ एक ही है, तो हार्ट आपका ऑड वन की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट ईस्ट, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इसमें से कौन सी है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नर्मदा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नर्मदा जो है ये आपकी क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी जो है दोस्तों, ये भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य, इन सभी राज्यों में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, और इस नदी का जो उद्गम है दोस्तों, वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। ठीक है, और ये जो नदी है आपकी, ये 1312 किलोमीटर लंबी है लगभग। ठीक है, और ये नदी जो है दोस्तों, पश्चिम की तरफ से जा करके सीधे अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे कि गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपकी पूरब की ओर जाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पूछे जाते हैं, जो कि नदियों से आपने देखा होगा आगे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL डील्स विथ, आपको बताना है NSDL किससे संबंधित है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए हैं, धारक बैंड है ये। ठीक है, या फिर आपका क्या है ये, GDRS है, या फिर शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है वो क्या चीज़ है आपको बताना है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन खोजना है दोस्तों। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका बी। ठीक है, GDRS जो है ये आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। ठीक है, देखिए NSDL जो है दोस्तों, ये भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, और ये दोस्तों अगस्त 1996 में इसका मतलब ये बनी है, इसके ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया था, और ये दोस्तों एक जिम्मेदार, किसी जिम्मेदार राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो भी आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है ना, ये बेसिकली GDR मतलब समझ रहे हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। ठीक है, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद जो है, उसके द्वारा डिपॉजिटरी बैंक में एक ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो कि विदेशी कंपनियां शेयर खरीदती हैं और उसके बाद उसमें उसके खाते में जमा कर देती हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आज आपने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखे, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, और बाकी आपको हम लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा दोस्तों। आपको बायोलॉजी और फिजिक्स, इन सभी चीज़ों का मैं आपको कम्प्लीट रिविज़न करवा दूँगी। आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने पहले भी बहुत सारे मतलब कम्प्लीट पूरा एक टॉपिक पर ही कोर्स बना के
अपलोड किया है, तो आप उसको ज़रूर बताएं कि पूरे टॉपिक पे जो कोर्स बना के मैंने अपलोड किया वो आपको अच्छा लगा कि नहीं, तो फिर मैं एक एक टॉपिक उसमें आपको कंप्लीट इलाबोरेट करके पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको उसमें उसके लिए अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, इससे हम लोग को आइडिया मिलता है कि वाकई में आपको वीडियो जो है वो समझ में आ रहा है, आपके डायरेक्ट माइंड तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि सब कुछ आपके समझने के ऊपर है। वरना तो आप देख ही रहे हैं कि जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं है, जो शायद या फिर हो सकता है मे बी उनको कंटेंट नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो लोग चले भी जाते हैं, चैनल पे आते हैं, पर वो लोग आप लोग रुकते नहीं ज़्यादा दिन तक। बट प्लीज़ आप लोग वेट किया करिए थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बर्बाद नहीं जाती है। हम लोग कोई भी ऐसा यूज़लेस कंटेंट अपलोड भी नहीं करते जो आपका टाइम वेस्ट करे, हमेशा यूज़फुल कंटेंट ही अपलोड करते हैं। बात इसकी है कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाकर के पैसे लगा करके वही चीज़ आप कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ ऐसा आड़ा तिरछा लगता है तो बेशक आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो वैसी चीज़ें खैर हम लोग करते भी नहीं हैं, तो आपको यही चीज़ करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हम लोग जो भी अपलोड करते हैं उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दीजिए, आपका रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में यही बताता है कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब नेक्स्ट पूरे वीडियो में, तब तक कि आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।